नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथी समूह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। बांग्लादेश में कई छात्र संगठन देश में इस्लामिक कानून वाले शासन की मांग कर रहे हैं। अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर भी धमकी दी जा रही है। दुर्गा पूजा के विरोध पर आपत्ति जताने पर हिंदू शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया है। कट्टरपंथी खुले आम धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने दुर्गा पूजा मनाने के लिए पहल की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। विरोध करने वालों को बांग्लादेश छोड़कर जाने की सलाह दी जा रही है। कट्टरपंथी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो दुर्गा पूजा की तैयारियों में लगे हैं। वहीं खुलेआम लोगों को धमकी दी जा रही है। धमकी भरी चिट्ठी भी वायरल हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में खुलना के डपाक में स्थित कई मंदिरों को हाल ही में गुमनाम धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इन चिट्ठियों में मांग की गई है कि मंदिर प्रबंधक 5 लाख टका का टोल चुकाएं, नहीं तो उन्हें दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये चिट्ठी दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के नेताओं को भेजी गई थी और उनमें चेतावनी दी गई थी कि अगर वो मांगे पूरी नहीं करेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में लिखा है, अगर आप 2024 में दुर्गा पूजा कराना चाहते हैं तो आपको 5 लाख टका का भुगतान करना होगा, नहीं तो आपको किसी भी तरह की पूजा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये भी धमकी दी गई है कि अगर इस चिट्ठी को अधिकारियों या मीडिया के साथ साझा किया गया तो जिम्मेदार व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को देश में हाल के विरोध प्रदर्शनों के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा किया, जिसके कारण अंततः शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि एक स्वाभाविक जन विद्रोह नहीं था, बल्कि सावधानी पूर्वक डिजाइन किया सुव्यवस्थित और अनुशासित आंदोलन था। मोहम्मद यूनुस ने ये बातें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के इतर न्यूयॉर्क में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट में अपने संबोधन के दौरान कही। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने अपने विशेष सहायक महफूज आलम को शेख हसीना सरकार के विरोध में हुए देशव्यापी आंदोलन का मास्टरमाइंड बताया, तो जिम्मेदार व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को देश में हाल के विरोध प्रदर्शनों के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा किया, जिसके कारण अंततः शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि एक स्वाभाविक जन विद्रोह नहीं था, बल्कि सावधानी पूर्वक डिजाइन किया सुव्यवस्थित और अनुशासित आंदोलन था। मोहम्मद यूनुस ने ये बातें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के इतर न्यूयॉर्क में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट में अपने संबोधन के दौरान कही। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने अपने विशेष सहायक महफूज आलम को शेख हसीना सरकार के विरोध में हुए देशव्यापी आंदोलन का मास्टरमाइंड बताया। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।